तो आज हमने एक एरर नोटिस किया, ठीक है। उस एरर पे वीडियो बना रहे हैं क्योंकि बड़ा दिमाग खराब हुआ था। एक्सट्रैक्ट फाइल्स, इसको ओके कर देते हैं। तो मान के चलो होगा क्या कि बहुत सारा डेटा मतलब ऑलरेडी तुमने डाउनलोड कर चुका चुके हो, ठीक है, लैंड सेट का। ओके, तो ऐसे बहुत सारे डेटा डाउनलोड कर चुके हो। अब तुम्हें करना क्या, मतलब पहले तो लैंड सेट का डेटा जो डायरेक्ट इसमें लेयर स्टैक करना है, ठीक है, मान के चलते लेयर स्टैक करना आता है। बट ये लेयर स्टैक करने के लिए जब इसको इंपोर्ट करोगे, इंपोर्ट भी आता है, कोई दिक्कत नहीं कि पहले इंपोर्ट करके वो सब जितना बैंड चाहिए वो सब कर लेते हो, बट एक यूजर आता है। दिखाते हैं, टिफ, मान के चलो ये बैंड वन को अनसपोर्टेड है, कंप्रेशन टाइप, तो इसीलिए ठीक करना है इसको। तो बैंड वन को करना है, ठीक है, ओके कर दो। इसी में जाओ, एक नया फोल्डर बना देते हैं, क्या नाम रखें, लेयर लिख देते हैं। ओके, अब इसके अंदर में तुम सेव करना चाहते हो ये बैंड वन इम्पोर्ट मतलब टिप में वो लैंड सेट के लिए, और पहले इम्पोर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही लेयर स्टैक होगा। ओके कर दो क्योंकि अनसपोर्टेड कंप्रेशन है। अब ओके किए, ओके। ये देखो, ये इतना बेकार है, क्या बताए, कहीं पे मिलेगा नहीं, खुद से ही ये सब करना पड़ेगा। पता नहीं ये क्या दिक्कत है, इलीगल कैरेक्टर etxtl कैरेक्टर स्लैश एट स्टार्टअप आउटपुट फाइल पोजीशन 83, क्या बोला क्या बोला, कुछ समझ में आया। तो ये होगा नहीं और इससे बहुत दिमाग खराब होगा, ठीक है। तो इसका रीजन बताते हैं कि दिक्कत क्या हुआ। ये जो है ना, बहुत सारा और डेटा डाउनलोड करोगे तो कभी कभार ये वन बन जाएगा, देख रहे हो, ऐसे वन टू ऐसा बन जाता है ना, तो यही इसका सोल्यूशन। ये वन को उड़ा दो, इंटर करो, उसके बाद फिर से इंपोर्ट में जाओ, इसको करो टिफ, इसके की टिफ करो, उसके बाद रिसेंट, ओके, नहीं हुआ, क्या दिक्कत है यार। बैन वन, ओके, लेयर के अंदर में जाओ, ओके करो, ओके ओके, देखो होने लगा ना, सिंपल सा ही रहा है बट दिमाग खराब कर देगा।